इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के नाम का ऐलान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कॉलेजियम प्रणाली के जरिए केंद्र सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो रहा था, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इस खबर को लेकर जिन पॉइंट्स की चर्चा करने वाले हैं उसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया क्या होती है और जिस कॉलेजियम प्रणाली के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है वो क्या है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर साल 2018 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए थे। वरिष्ठतम न्यायाधीश होने के नाते इन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉलेजियम प्रणाली भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण सुनिश्चित करने की एक प्रणाली है। ये प्रणाली भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के माध्यम से विकसित हुई है। ये ना तो वैधानिक है और ना ही संवैधानिक निकाय है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं और इसमें अदालत के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों को पहले CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाता है, फिर वे नाम सरकार के पास भेजे जाते हैं और सरकार की अनुमति के बाद न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यूपी से जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।